ये अपना सॉन्ग हिट करने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। ये सब झूठ है, जिसका पति भाग जाए इतनी खुश कैसे रह सकती है। सनी तुम दोनों में से ज्यादा प्यार किसको करता है? आप थंबनेल हर बार पति का यूज करते हो व्यूज के लिए। ये जो हमने टी शर्टें पहन रखी हैं, इसके हमने बहुत सारा स्टॉक मंगवाया है जो हम आप सबको गिफ्ट में देंगे। हेलो गाइज, आप सब लोग कैसे हैं? होप आप सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो गाइज, आप लोगों ने ना हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं जिसके रिलेटेड ना आज हमने आपको सारे जवाब देने हैं। तीसरी शादी के रिलेटेड आपको जवाब देने हैं, और आप लोगों ने बोला था कि ये ड्रामा कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ इनके बीच में, ये वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन है जिनके आपको ना पूरे जवाब मिलेंगे आज इसी व्लॉग में। तो सबसे पहले हम लोग हो जाते हैं रेडी, फिर उसके बाद आपके हर एक क्वेश्चन का हम आंसर देंगे। तो गाइज, ये मम्मा मेरा बना रही है, तो फिर ना मैम ना मेरे को ना स्कूल बड़ों का काम भी दे देती है, तभी मैं वो ना कैंची से कांच के लगाना होता है, तो फिर ना वो छोटी कैंची से नहीं करता, तभी मम्मा बड़ी कैंची से काट के लगा रही है। पर मैं तो छोटी कैंची से काट सकती हूँ पेपर, पर ये बड़ों का काम है। तो अगर तेरा हाथ कट गया फिर? मेरा हाथ कभी नहीं कटता, और ना पता क्या हुआ, ये ना मैंने अपने आप काट के लगाया था, बनाया था। अच्छा, तो इससे हाथ नहीं कटता है ना? हाँ, तो तू क्या देख रही थी? वो क्या है? वो मोटू पतलू है। कौन कौन देख रहा था? अब्बू चाचू मैं। कौन है? और वो आदित्य भाई, ये अब्बू चाचू, ये स्वाद भाई अपने खंजा लग के बैठी हुई है। है? ये स्वाद भाई अपना खंजा लग के बैठी हुई है। खंजा लग के बैठी हुई है, लप क्या होता है? वहाँ पर खुंजे में बैठी रहती है। तो वो खुंजे में क्या किया उसने? मतलब कि खुंजा लपनी, खुंजा ढूंढ के। अच्छा, मल के बैठी हुई है। चलो ठीक है, आज मानसी मम्मी बीमार है ना? अब वो मानसी मम्मी का बेड, पहले ये पापा का बेड दुआ करता था, अब मानसी मम्मी का। अच्छा चलो, गलाकड़ी। तो गाइस, आप लोगों के ना बहुत सारे कमेंट आ रखे थे, जो कमेंट बार बार आते रहे ना, हमने वही वाले कमेंट लिए हैं, और उनके आंसर ना हम अपने गाने से एक दिन पहले देना हमें जरूरी लगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ये अपना सॉन्ग हिट करने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। हाँ, हम लोग ड्रामा ही कर रहे हैं। आप लोगों के लिए बहुत आसान है किसी को भी कुछ भी बोलना, आप लोग कुछ भी सोचते नहीं हो, समझते नहीं हो, जो मन में आता है वो बोलते जाते हो। हमारे हस्बैंड 2 अक्टूबर को हमें छोड़ के गए है ना, उसके बाद हमने काफी वीडियोज बनाए, हम रोए तड़पे, हम लोगों ने उनको इतना बोला कि वापिस आ जाओ, आप लोगों के सामने गिड़गिड़ाए कि हमारे हस्बैंड को किसी तरीके वापिस आ जाए है ना, हमने बहुत कोशिश की। उसके बाद उनका एक व्लॉग आया जिसमें उन्होंने बोला कि हीर मॉडल की तरह लगती है, मैं उसके साथ सॉन्ग करूंगा। तुम लोगों का आज तक कोई सॉन्ग तक नहीं आया, आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया, आप लोगों के कमेंट्स थे कि दीदी आप सॉन्ग करो, आप हीर से ज्यादा अच्छे लगते हो, आप कर सकते हो, ये आप लोगों के ही कमेंट्स थे। हमने तो आपको बोला नहीं था कि कमेंट करो हमारे व्लॉग के नीचे, ये वाले आपने खुद किए थे अपनी मर्जी से। और गाना भी उन्होंने पहले शूट किया था, हमने नहीं, हमने बाद में शूट किया था आप लोगों के कहने से। उसके बाद हम लोगों का गाना आ गया, मतलब हमने गाना शूट कर लिया, हमने गाने पे अच्छे खासे पैसे भी लगाए। अब हमारे गाने को सिर्फ एक दिन रह गया, तो हम प्रमोशन क्यों नहीं करेंगे? हमने उस पे पैसे लगाए हैं, हमने अपना गाना इतने अच्छे से, इतनी मेहनत की है, खून पसीना एक करके गाना बनाया, अब हम उसको प्रमोट नहीं करेंगे? ये भी ड्रामा हो गया आपके लिए। आप लोगों का अगला कमेंट है, इनका हस्बैंड भाग गया और ये गाना कर रही है, कोई नॉर्मल लड़की होती तो वो पुलिस केस करती। बिल्कुल सही बोला आपने, ये भी अगर कोई नॉर्मल लड़की होती तो वो पुलिस केस करती। पता नहीं यार हमारे समाज को क्या हो गया, लोग एक दूसरे को गाइड मिस गाइड पता नहीं क्यों करने लग गए हैं। कोई अच्छी सलाह नहीं दे सकते तो एटलीस्ट किसी को मिस गाइड भी मत करो। पहले सबसे पहले मैं ये बोलती हूँ कि ठीक है हम दोनों पुलिस केस कर लेते हैं, आओ आप लोग आओ हमारी हेल्प करो आके, जिनको लगता है कि हम नहीं कुछ कर रहे वो आओ हमारे पास, हम लोग इकट्ठे चलते हैं मिलके पुलिस केस करने, आप भी देख लेना क्या होगा यार पुलिस केस करने के बाद। हमारे हस्बैंड को पुलिस पकड़ लेगी, उसके बाद कोई लॉ ऐसा है जो हमारे हस्बैंड को वहीं पे सजा सुना देंगे, लास्ट में वो क्या बोलेंगे पुलिस वाले पकड़ के? यही बोलेंगे ना कि आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लो, या तो एक साथ रह लो या फिर एक दूसरे को डाइवोर्स दे दो और खर्चा हम आपको दिलवा देंगे। तो आप क्या इन तीनों में से आप क्या चाहते हो, कि हम डाइवोर्स लेके अपने हस्बैंड को छोड़ दे या खर्चा ले मांगे? कैसी यार आप लोग बातें करते हो, हम चाहते हैं वो हमारे साथ रहे, हम लोग फैमिली की तरह रहे, हमने धोखा नहीं दिया, जो भी हुआ वो उनकी साइड से हुआ, हम फिर भी आज भी उनको एक मौका देना चाहते हैं कि ठीक है जो हो गया आप वापिस आओ, कोई बात नहीं, हम डाइवोर्स वगैरह हमने कब बोला कि हमने डाइवोर्स लेना? आपका
आपका अगला कमेंट है, आप क्या सीख दे रहे हैं समाज को ये सब करके। बहुत अच्छा कमेंट किया जिसने भी किया। भगवान न करे हमारे किसी भी बहन के साथ ऐसा होता है, उसका हस्बैंड उसको छोड़ के चला जाए। कई बार लड़कियां क्या करती है, घुट घुट के मर जाती हैं, अपने मायके चली जाती हैं, किसी पे बोझ बन जाती हैं। क्यों? हमारा हस्बैंड ही गया ना, वो कौन सा हमारे हाथ पैर काट के ले गया कि अब हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। हम ऐसा स्टेप क्यों नहीं लेते कि हम अपने हस्बैंड को यहाँ गलत प्रूफ करें कि जिसके पास भी वो गया ना, आप उससे कई गुना ज्यादा बेस्ट हो। आप अपने लाइफ का बेस्ट क्यों नहीं देते और उसको ये एहसास क्यों नहीं करवाते कि हम आज भी इकट्ठे रह सकते हैं, आप इतने काबिल हो कि आप उसके साथ इकट्ठे रह सकते हो। और रही बात कुछ सिखाने की, हमें नहीं पता हम लोग क्या सिखा रहे हैं आप लोगों को। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ अच्छा ही सिखाएं, फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो शायद हम ही आपको कुछ नहीं सिखा सकते। आप लोगों का अगला कमेंट है, ये सब झूठ है, जिसका पति भाग जाए वो इतनी खुश कैसे रह सकती है। फिर वही बात, पता क्या होता है, पहले लोग बोलते थे कि एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन होती है, लेकिन हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोगों ने अपनी लाइफ के बारे में जब आपको बताया, हमें औरतों ने इतना ज्यादा सपोर्ट दिया, इतना ज्यादा प्यार किया, औरतों के इतने कमेंट्स आए कि बेटा आप भी कुछ कर सकते हो। आप लोगों ने हमें फिर हंसना सिखाया कि हम लोग कुछ कर सकते हैं, आप लोगों ने हमें मोटिवेट किया। और जब हम लोगों ने फिर अपनी रियल लाइफ में जो चल रहा था हम लोग खुश हो रहे हैं, आप लोगों के कमेंट पढ़ के हमें मोटिवेशन मिलती थी, वो मोटिवेशन से हम लोग हंस के व्लॉग बना रहे हैं, तो आप लोग बोल रहे हो कि ये फिर ड्रामा कर रहे हैं। हम लोग रोते थे ना, रो के वीडियोस बनाते थे, आप हमें एक एक लाख दो दो लाख व्यूज देते थे। जिस दिन से हमने अपनी रियल लाइफ फिर से जीनी स्टार्ट कर दी है, हमें फिर से 40,000-50,000 व्यूज आने लग गए। आप लोग खुद ये चाहते हो कि हम लोग ड्रामा करें, हम रो रो के वीडियोस बनाए, अब प्लीज हम लोग ये वो नहीं करेंगे, हम अपनी रियल लाइफ ही जिएंगे जो हम रियल में है। और हाँ एक बात और, अब हमें डर लग रहा है क्योंकि कल हमारा सॉन्ग आने वाला है, एक दिन रह गया हमारे सॉन्ग आने को। प्लीज अब हमें मत गिराना, आप लोगों ने हमें इतना सपोर्ट दिया है, पहले से फर्स्ट डे से आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हो, अब भी वही सपोर्ट दिखाना, अब पीछे मत हटना। आप लोगों का अगला कमेंट है, आप लोग यूट्यूब से पैसा कमा रहे हो, पागल बना रहे हो, और कितनी इनकम आई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यूट्यूब की इनकम आती है ना, वो हर मंथ 24 तारीख को आती है। 2 अक्टूबर को हमारे हस्बैंड गए हैं और इसी अक्टूबर महीने में ही हमारी वीडियोस को व्यूज आए हैं। उससे पहले जो हमारी 24 सितंबर को इनकम आई, वो हमारे हस्बैंड ने किश्ते वगैरह जो भी दिया वो हमें नहीं पता। हाँ ये सच है, इनकम हमारे अकाउंट में ही आती है, लेकिन वो उन्होंने सब कुछ वो ही संभालते हैं, हमारे जितना भी पैसा आना जाना वही देखते थे, उन्होंने कर दिया। रही बात अक्टूबर की इनकम की, तो अक्टूबर की इनकम आएगी नेक्स्ट मंथ नवंबर में, नवंबर की 24 तारीख को। तो यहाँ से तो साफ हो गया कि हमने इन व्यूज से अभी तक हमारे पास कोई इनकम नहीं आई, हमने कोई पैसा नहीं खाया अब तक, और ना ही हमारे पास कोई पैसा आया इस महीने का। जो पिछला था वही आया अभी हमारे पास 24 तारीख को, और वो भी हमने अपनी कई सारी किस्तें देनी है, सब कुछ करना है, वो भी हमारा लग गया, हमारा काफी पैसा लग गया। सो अब प्लीज आप सब कुछ भूल जाओ, ये बातें मत करो। 1-4 तारीख को हमारा सॉन्ग आ रहा है सुबह 11 बजे, बस उस पे फोकस करो, उस पे ध्यान दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। तो गाइज आपका अगला कमेंट है, आपकी ऑडियंस पूरे इंडिया से है, आपने हरियाणवी गाना ही क्यों किया। तो गाइज मैं हूँ पंजाब से और मानसी है जम्मू से, मानसी को डोगरी आती है और मुझे पंजाबी आती है, मानसी को पंजाबी भी आती है, पर हम दोनों को ही हरियाणवी नहीं आती। तो हम लोगों ने पहले ये डिसाइड किया था कि हम ना पंजाबी गाना करेंगे कोई। तो जब हमने पंजाब की ही कोई फीमेल सिंगर से बात की कि आप हमारा गाना जो गाना उसके लिए हमने बात की थी ना, तो उनका प्राइस बहुत ज्यादा हाई था, तो उतने में तो हमारी हरियाणवी गाना प्लस वीडियो सब कुछ बन गया था। ऑडियो सब कुछ उतने प्राइस में होगी जितना उन्होंने सिर्फ सिंग करने का ही हमें बोला, सो वो हमारे बजट से काफी दूर चला गया। फिर हमने हरियाणवी गाने का सोचा और हमने कई सारे लिरिक्स जो हरियाणा के थे उनसे बात की, उन्होंने हमें दिए भी लिरिक्स, लेकिन वो ना हम दोनों को ही समझ नहीं आ रहे थे कि वो क्या लिरिक्स है। फिर हमने उनसे बात की कि देखो हमें ही समझ नहीं आ रहे तो हमारी ऑडियंस को कैसे समझ आएंगे, सो आप कुछ ऐसा लिखो जो हमें भी समझ आए, हमारी ऑडियंस को भी समझ आए, जो सबको पूरी इंडिया में सबको समझ आए, क्योंकि हर एक को हरियाणवी नहीं आती ना। तो इसीलिए हमने यही उनको बोला था कि आप ऐसा बोलना जो इजी भी हो और सबको समझ आए इजीली। तो इसीलिए हमने ये वाला गाना डिसाइड किया था क्योंकि इसके लिरिक्स इतने अच्छे हैं और ये हर एक को समझ आ जाएंगे, तो इसीलिए हमने हरियाणवी सॉन्ग किया ये। एक तो ये हमारे पूरे बजट में बन गया। और अब रही बात सॉन्ग तो हो गया, बन गया, देखो सॉन्ग आ रहा है 4 तारीख को 11 बजे सुबह
होगा हमारे ड्रीम प्ले म्यूजिक पे। आपने बाकी सब कुछ भूल के सिर्फ सॉन्ग को ही देखना है, अच्छे से लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट्स भी करने। तो गाइज आपका अगला कमेंट है, आपने एनजीओ का ड्रामा क्यों किया, कहाँ गई अभी एनजीओ? तो गाइज हम लोगों ने ना एनजीओ का कोई भी ड्रामा नहीं किया। हमें ये लगता था कि हम एनजीओ यूट्यूब से ही चलाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसमें और भी बहुत चीजें चाहिए हमें, और उसके बाद ये ड्रामा नहीं है। हम आपको नहीं पता हम अपने दिल में औरतों के लिए क्या लेकर बैठे हैं। हमारी जैसी कई औरतों को हमने देखा। सबसे पहले तो आप ये क्लिप देखिए। ठीक है, मेरी मम्मा भी चले गए मेरे हस्बैंड के वियोग में, उनकी भी डेथ हो गई। माँ को होता है कि मेरी बेटी अकेली रहेगी, कैसे कर रही है। घिसते देखती है ना जब एक माँ अपनी बच्ची को, खत्म हो जाती है। पंजाबी में कहते हैं ना कि जब माँ मर जाती है तो बच्चों का बाप भी साथ ही मर जाता है, पर जब बाप मरता है ना तो जो माँ है वो दोनों को जिंदा रखती है, उसको बाप भी बनना पड़ता है। तो काट रात को ही लगती है आपकी? शाम को सर। सुबह स्कूल में जाते हैं? हाँ, ये दोनों स्कूल में जाते हैं और मैं घर में मोमोज बनाती हूँ, इसका माल रेडी करती हूँ, उसकी सारी प्रिपरेशन करके रखती हूँ, क्योंकि वेजेस वगैरह घर में ही कटिंग होती है सारी। 8-10 दुकानों में मोमोज सप्लाई करती। हमारे रिश्तेदारों को जरूर शर्म आती है कि इतना पढ़ लिख के PhD करने वाली लड़की थी, MA करके ये क्या मोमोज बना रही है। ओके, काम थोड़ी छोटा बड़ा होता है, हम लोग छोटा बड़ा उसको बना देते हैं। काम छोटा बड़ा नहीं होता सर। और आज पढ़ लिख के घर बैठे हैं बच्चे, शर्म के मारे इतनी महंगी डिग्री की है, ये कर रखा है हमने, तो ग्रेजुएशन कर रखी, हम रेडी थोड़े ना लगाएंगे। तो हमने देखा कि वुमेन कई सारी ऐसी हैं जिनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, जिनको पता नहीं है हम लाइफ में क्या करें, जो रो रो के टूट चुकी है। हम लोग उन औरतों के लिए बहुत सारा काम करना चाहते हैं, ये हमारे दिल में अभी भी है। हम लोग वर्क करना चाहते थे इस पे, थे नहीं मैं बोलूंगी, हम लोग वर्क करेंगे इस चीज पे। हमें बस एक बार हमारे सॉन्ग से फ्री होने दो। और जो ये कमेंट कर रहे हैं ना कि आपने एनजीओ का ड्रामा क्यों किया, हम लोग 6-7 तारीख के बाद इस पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे। जो हमारी बहनें बेचारी इस हालत में, उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, जहाँ उनको समझ नहीं आ रहा, हम उन सब की हेल्प करेंगे, एक छोटी सी एनजीओ स्टार्ट करेंगे। और जितना हम सबसे आप लोग भी इस पे इंक्लूड होंगे, जितना हम सबसे होगा उतना हम कोशिश करेंगे कि हम सब भी औरतों का साथ दें। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, आप थंबनेल हर बार पति का यूज करते हो, व्यूज के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप लोगों को लगता है, वो उस टाइम की सच्चाई थी जब हमारे हस्बैंड चले गए थे, हम वो थंबनेल लगाते थे, वो उस टाइम की रियलिटी थी, वो हमारे लाइफ में वैसा हो रहा था, हम आपको दिखाते थे और उन व्लॉग्स पे 5-5 लाख व्यू आते थे। उसके बाद आप लोगों ने हमें मोटिवेट किया, आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, आप लोगों ने हमें बोला इस चीज से निकलो, और हमने निकलने की कोशिश की। हम लोग अपना डेली रूटीन आपको दिखाने लगे जैसा, और हमारे उस टाइम की जो सच्चाई थी वो हम दोनों थंबनेल लगाने लग गए। तो उन व्लॉग्स को कितने व्यूज आए, 40,000-50,000 व्यू आए। आपको पता है हमारे हस्बैंड ने यही चीज सेम बोली थी कि बिग बॉस जैसा शो हिट क्यों है, क्योंकि उसमें वो फैमिली झगड़े दिखाते हैं, लोगों को वो चीज देखना अच्छा लगता है, तो लोग उन चीजों पे व्यूज देते हो। और कहीं ना कहीं उनकी ये बात सच भी निकली, जब मैंने और रूप ने उन चीजों से निकलने की कोशिश की कि हम उन चीजों से निकलेंगे, हम लोग अपनी लाइफ देखेंगे, हम लोग अपनी लाइफ को जैसे अभी हमारा टाइम चल रहा है हम उसको जिएंगे, तो आप लोगों ने उन व्लॉग्स को 40-40, 50-50 हज़ार व्यूज दिए। तो गाइज अभी ना किसी ने कमेंट किया था एनजीओ वाला, तो अगर आप उस व्लॉग को जाके देखो ना तो उसको 50,000 व्यू भी नहीं आए हैं। और जो हमारा तीसरी वाइफ वाला, जब हम तीसरी वाइफ वाला थंबनेल लगाते हैं ना, वो वाली लड़ाई हुई थी उस टाइम पे, तो उन व्लॉग्स को हमारे 5-5 लाख व्यूज आ रहे थे। पहले आप लोग अपनी सोच बदलो। आप लोगों का अगला कमेंट है, सनी तुम दोनों में से ज्यादा प्यार किसको करता है? जब वो हमारे पास थे ना, हमें कभी जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, हमें कभी ये चीज़ फील ही नहीं हुई कि वो किसको ज़्यादा प्यार करते हैं, किसको कम प्यार करते हैं। हमें बस ये पता था कि वो हमारी खुशियों का ध्यान रखते थे। वो जब हमारे साथ होते थे ना, हम दोनों कोई भी चीज़ पसंद कर लेते थे ना, चाहे हमारे पास पैसे हो या ना हो, उनका पूरा ध्यान उस चीज़ में चला जाता था कि मैं कैसे इनको ये चीज़ दिलवाऊँ। वो उसी चीज़ में लग जाते थे, अपनी शॉपिंग में। कई बार हम लोग व्लॉग्स में भी ये चीज़ बोलते थे कि वो अपनी शॉपिंग करते ही नहीं थे, हम दोनों की ही जो शॉपिंग होती थी वो हम दोनों की। हम रो रो के बोलते थे कि अपना भी कुछ ले लो, तो जाके वो कुछ अपना लेते थे, नहीं तो पूरा हम पे ही ध्यान देते थे। और अब आप लोग बोलते हो कि उनको भूल जाओ, यार हमसे हम क्या
हम नहीं भूल सकते, हम सीधी जो बात है हम अपने वो वाले हस्बैंड को कभी भी नहीं भूल सकते, क्योंकि उन्होंने हमें जो हमने कभी सोचा भी नहीं था ना कि लाइफ में हम ऐसा करेंगे, उन्होंने हमें वो खुशियाँ भी दी हैं और हम आज भी चाहते हैं हमारा वो हस्बैंड वापस आ जाए हमारे पास। आप लोगों का अगला कमेंट भी यही है, उसे भूल जाओ। इस बात का मैंने अभी अभी जवाब दिया कि हम उनको नहीं भूल सकते। पता जब हम लोगों की लड़ाई चल रही थी ना, हम लोग उनको जवाब दे रहे थे, वो लोग हमें जवाब दे रहे थे, आप लोग हमें बहुत सपोर्ट कर रहे थे, हमारी वीडियोस पे इतने व्यूज आ रहे थे, आप लोगों ने हमें एक दिन भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि वो हमारे पास नहीं है, आप लोगों ने उनकी कमी पूरी की, हमें इतना प्यार दिखाया। लेकिन जिस दिन से मैं और रूप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीने लग गया ना, हमने अपने आप को संभाला ना, आप हमें भूल गए हो। आप लोग अब 50,000 40,000 व्यूज दे रहे हो, कहां लाखों में व्यूज दे रहे थे, कितना प्यार दिखा रहे थे, लेकिन कहीं ना ऐसे लग रहा है कि आपको भी वो चीजें पसंद आ रही थी जब हम एक दूसरे को रिप्लाई कर रहे थे, वो हमें जवाब दे रहे थे, हम उनको जवाब दे रहे थे। प्लीज यार ऐसा मत करो। और अब हमें उनकी कमी भी महसूस होने लगी है, हमें फील होता है कि अगर वो साथ होते तो हमारी लाइफ कुछ और होती, और तभी हम बार बार बोलते हैं कि हम उनको अभी नहीं भूल सकते, क्योंकि आप लोगों ने जो कमी हमें दूर करवाई थी ना, वो अब हमें फिर से फील होने लगी है। हमारे इतने व्यूज एकदम से गिर गए, आप लोग हमसे दूर होने लग गए। प्लीज यार ऐसा मत करो, हमसे दूर मत हो। तो गाइज अब लास्ट में हम बात करेंगे अपने गाने की। जो हमारा गाना 4 नवंबर 2024 को सुबह 11 बजे ड्रीम प्ले म्यूजिक चैनल पे आ रहा है। गाइज हमने ना उस पर बहुत पैसा लगाया, और अब आपको सही बताया ना तो हमने थोड़ा सा लोन भी लिया था उस पर पैसे लगाने के लिए, क्योंकि उस वक्त हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, हमारी यूट्यूब की इनकम नहीं आई थी, जो आई थी वो हमारे हस्बैंड ने किश्तें वगैरह दे दी थी, उस वक्त हमारे पास पैसे नहीं थे जिसके लिए हमें लोन लेना पड़ा, वो हम लोगों ने आप पे विश्वास करके लिया, क्योंकि आपने हमें बहुत ही ज़्यादा विश्वास दिलाया था कि हम लोग अपने आपके गाने को सपोर्ट करेंगे, हम लोग अपने आपके गाने को शेयर करेंगे। ये हमारा गाना नहीं है, ये आप सबका गाना है, हम बार बार आपको बोल रहे हैं वो विश्वास मत तोड़ना, अपने गाने को खूब सारा प्यार करना। गाना 4 नवंबर 2024 को सुबह 11 बजे ड्रीम प्ले म्यूजिक चैनल पे आएगा। जिसने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। और हाँ, अब आपकी जिम्मेवारी ये भी है, आप लोगों ने 11 बजे से 5 मिनट पहले ही हमारे ड्रीम प्ले म्यूजिक पे चले जाना, वहाँ बार बार रिफ्रेश करना, जैसे ही हमारा गाना आए गाने को लाइक शेयर करना, उसके बाद कमेंट्स भी अपने बताना। गाना जब खत्म हो जाएगा हमारे गाने का लिंक जो है वो कॉपी करना, और अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जहाँ भी आप लोग जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो हर जगह हमारे गाने को शेयर करना, बहुत ज्यादा शेयरिंग कर देना, और हमारे गाने को बहुत 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 ज्यादा व्यूज देना। और जिसने ऑडियो नहीं देखी है ना, वो हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे जाना, वहाँ पे ना हमने रील्स बनाई है, तो वहाँ पे जाना, ऑडियो भी देखना और उस गाने पे रील्स भी बनाना। तो गाइज लास्ट में दो बातें करेंगे, एक तो हमारा सनी राजपूत चैनल पे ही 4 तारीख को सुबह 9:30 बजे व्लॉग आएगा, जिसपे हम गाने की बात करेंगे और गिफ्ट्स की बात करेंगे। ये जो हमने टी शर्टें पहन रखी हैं, इसके हमने बहुत सारा स्टॉक मंगवाया है जो हम आप सबको गिफ्ट्स में देंगे, और पिछले व्लॉग में जो हमने गिफ्ट भिजवाने थे वो हमने कुछ लोगों को भिजवा दिए हैं, जब उनको रिसीव हो जाएंगे हम उनकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और जिनको हमने अभी तक नहीं भेजे या जिनको नहीं मिले उनकी बात हम नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे जो 9:30 बजे सनी राजपूत पे आएगा। सो उस व्लॉग को आप जरूर देखना, वहाँ हम और भी बहुत सारे गिफ्ट्स देंगे।